हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या है, होप एकदम मजे में हो गया आप सब। एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन रहता है हर एक यूट्यूबर के लिए कि भाई कौन सा चार्जर हम लोग लें अपने आईफोन के लिए, अपने सैमसंग फोन के लिए, अपने आईपैड के लिए जो बेस्ट रहे। तो वर्ल्ड का जो नंबर वन मोबाइल चार्जिंग ब्रांड है वो है एंकर, और एंकर का अभी तक जो बहुत ही बढ़िया चार्जर माना जाता था वो था एंकर नैनो, और अब इसका भी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हमारे पास आ गया है जो है एंकर नैनो प्रो। कैसा है ये वाला चार्जर और आपको लेना चाहिए या नहीं, और क्या है इसका प्राइस, इसी के बारे में है आज की वीडियो। आईफोन 12 सीरीज जब रिलीज हुई थी तो एंकर ने अपना नैनो चार्जर रिलीज किया था जो कि सेम प्राइस में आता था एप्पल के चार्जर वाले प्राइस में, बट इसका जो डिजाइन था वो बहुत ही छोटा था। अगर मैं एप्पल के 20 वॉट वाले चार्जर से कंपेयर करूं तो आप देख सकते हो साइज डिफरेंस कितना बड़ा है। अब यहां पे एप्पल ने अपना जो नैनो प्रो है वो रिलीज कर दिया जहां पे 40 वॉट का मैक्स आउटपुट आपको मिल जाता है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पे दो आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो दो iPhone 13 Pro Maxes को आप एक टाइम पे चार्ज कर सकते हो क्योंकि 20 वॉट का ही मैक्सिमम आउटपुट जो है फास्ट चार्जिंग के लिए आपका जो iPhone है वो लेता है, और यहाँ पे दो पोर्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो iPad और iPhone या फिर दो iPhones को एक टाइम पे आप चार्ज कर सकते हो, और अगर आपके पास Samsung का भी फोन है, कोई भी ऐसा Android फोन है जो 20-30-40 वॉट तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो आप इस चार्जर को डेफिनेटली उसके साथ यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास MacBook Air भी है तो MacBook Air को ये फुल स्पीड में चार्ज कर देगा क्योंकि यहाँ पे 40 वॉट का मैक्स आउटपुट आपको मिल जाता है एंकर के नैनो प्रो के अंदर। और ये जो मॉडल है ये है 521 नंबर, इसके अलावा 511 भी आता है जो कि मेरे पास यहाँ पे है, इसके बारे में थोड़ी ही देर में बात करते हैं। और एंकर के नैनो प्रो सीरीज के अंदर हमें एक्टिव शील्ड टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है जो कि प्रोटेक्ट करती है आपके डिवाइसेस को ओवर चार्जिंग से। तो जैसे ही आपका जो फोन है वो फुल चार्ज हो जाएगा तो पावर जो है जो आपका चार्जर है उसको कट कर देगा ताकि आपकी फोन की जो बैटरी है उस पर कोई भी लोड ना पड़े, और फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे मिल ही रही है। और यहाँ पे जो मेरे पास कलर है ये है ब्लू कलर, इसके अलावा तीन कलर ऑप्शन आपको और मिल जाते हैं चार्जर के अंदर, तो चार्जर में भी आपके पास कलर का ऑप्शन है। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि कौन सा चार्जर आज के टाइम में आईफोन के लिए लेना चाहिए, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एंकर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हर कोई आपको सजेस्ट करेगा, और मैं भी आपको कहूंगा कि अगर आपको आपके आईफोन के लिए केबल चाहिए, चार्जर चाहिए, एंकर का बेस्ट रहता है। और अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए अपने आईफोन के लिए तो एंकर का जो नैनो प्रो है एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट होने वाला है। थोड़ा सा हैवी जरूर है क्योंकि यहाँ पे अंदर बहुत सारा टेक है जैसे कि एक्टिव शील्ड टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है, उसके अलावा 40 वॉट का मैक्स आउटपुट आपको मिल रहा है। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल के टाइम पे आपको एक ऐसी चीज चाहिए रहती है जो कॉम्पैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस को चार्ज कर पाए, तो यहाँ पे दो पोर्ट्स मिल रहे हैं और 40 वॉट का मैक्स आउटपुट है, तो आप आराम से इसको ट्रैवल के टाइम पे यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आईपैड, आईफोन, मैकबुक एयर सारी चीजें इससे आप चार्ज कर सकते हो। प्राइस की बात करूं तो जो नैनो प्रो है जहाँ पे दो पोर्ट्स मिलते हैं इसका प्राइस है $36, बट अगर आप Amazon से लोगे तो कोई ना कोई डिस्काउंट आपको सारे टाइम मिल ही जाएगा। और यहाँ पे एंकर प्रो के साथ ही अगर आप केबल्स लेना चाहते हो तो एंकर की ही पावर लाइन 3 फ्लो सीरीज की ये केबल्स है, 3 फीट एंड 6 फीट के अंदर आपको ये वाली जो केबल्स की लेंथ है वो मिल जाएगी, सिलिकॉन वाली ये केबल्स है, और इनका जो टच है बहुत ही सॉफ्ट है टच करने में और टैंगल फ्री है, यहाँ पे कोई भी उलझन नहीं होगी। जो केबल्स के साथ पंगा रहता है ना कि उलझ जाती है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं होगी क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट ये केबल है, और 25,000 बैंड्स तक ये टेस्टेड है केबल, तो आप इससे आराम से काफी साल अपने फोन को चार्ज कर सकते हो। और हर तरीके के फोन को ये जो केबल है सपोर्ट करती है, फास्ट चार्जिंग को भी ये जो केबल है सपोर्ट करती है। अगर आप केबल भी लेना चाहते हो तो केबल के लिए आपको $20 देने होंगे जो कि सेम प्राइस है अगर आप एप्पल की केबल लेते हो, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। केबल के अंदर भी आपको 8 डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं। और केबल और नैनो प्रो के बाद अब बात कर लेते हैं नैनो प्रो सीरीज के ही सिंगल पोर्ट वाले चार्जर के बारे में। इसका नंबर है 511 और ये भी नैनो प्रो सीरीज का ही एक चार्जर है जो कि अपग्रेडेड वर्जन है पहले वाले एंकर नैनो का। यहाँ पे जो आउटपुट आपको मैक्स मिलती है वो है 20 वॉट की मैक्स आउटपुट, और ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है अगर आपको सिर्फ आपके आईफोन के लिए चाहिए, और इसका जो प्राइस है वो है $19। तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो सिंगल पोर्ट वाला ले सकते हो, आप चाहो तो डबल पोर्ट वाला। सिंगल पोर्ट वाला जो है ये थोड़ा ज्यादा छोटा है और हल्का है, बट मेरे हिसाब से जो बड़ा चार्जर है 521 ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मैक्स आउटपुट जो है वो 40 वॉट का ही आपको मिलेगा, जैसे ये दो आईफोन्स हैं, दोनों जो आईफोन्स हैं 20-20 वॉट के आउटपुट को सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर दोनों आईफोन करोगे तो दोनों को 20-20 वॉट मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पे गूगल का पिक्सल 6 प्रो कर लेते हो जहाँ पे 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, तो एक जो गूगल पिक्सल होगा उसको 30 वॉट मिलेगा और दूसरे फोन को 10 वॉट मिलेगा। 40 वॉट जो है वो मैक्स आउटपुट है, डिवाइड होगी वो दोनों के बीच में अगर आप दो डिवाइसेस एक टाइम पे यूज कर रहे हो। तो अगर आप मैकबुक एयर चार्ज करना चाहते हो तो एक ही पोर्ट आप यूज करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप
iPhones के लिए यूज कर रहे हो तो बेस्ट रहेगा कि दोनों पोर्ट्स को आप एक टाइम पे यूज कर सकते हो। और अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। एंड एंकर के प्रोडक्ट्स के बारे में मैं पर्सनली आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप एंकर का प्रोडक्ट लेते हो तो कहीं भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप चैनल के ऊपर आके कभी भी कंप्लेंट कर सकते हो, मैं यहीं पे हूँ। और एंकर के प्रोडक्ट्स की मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ और बहुत सारे लोग भी, क्योंकि वर्ल्ड का नंबर वन मोबाइल चार्जिंग ये ब्रांड है। और इससे पहले भी एंकर के काफी सारे प्रोडक्ट्स मैं पर्सनली यूज भी करता हूँ, वीडियोस भी बनाई है और आपको सजेस्ट भी किया, और जितने लोगों ने लिया है सब खुश ही है। अवेलेबिलिटी क्या है ये वाले चार्जर्स की वो आपको वेबसाइट के ऊपर से पता चल जाएगा। वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये थी मेरी वीडियो एंकर नैनो प्रो चार्जर के बारे में। तो जितने भी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई बेस्ट चार्जर कौन सा है, तो एंकर का नैनो प्रो जो है ये डेफिनेटली टॉप 3 चार्जर्स में आने वाला है। और आपको कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा ये वाला प्रोडक्ट मुझे बताओ कॉमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कॉमेंट्स का इंतजार। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूं खत्म, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।